वेलकम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज बाय अहमद फरीद। आज का जो हमारा एपिसोड है वो किचन गार्डनिंग का एपिसोड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। किचन गार्डन में हमारे पास एक रूटीन में यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट है, एक हमारे पास जो है वो जो हमेशा हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, हर सालन में हर डिश में तकरीबन इसका इस्तेमाल होता है। स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट के जितने भी खाने हैं सब जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, ये है हल्दी। तो ये मेरे पास कच्ची हल्दी है और आज हमने इसको उगाना है और इसको उगाने के बारे में जो डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप ये समझ लीजिए कि इसका जो मौसम होता है ये 15 अप्रैल से शुरू होता है और 15 जुलाई तक इसको उगाने का मौसम मौजूद रहता है। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर जल्दी रेज़ हो जाते हैं, जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तो उस सूरत में आप वहाँ पर जल्दी भी उगा सकते हैं, मार्च में भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर आपके एरिया में जल्दी रेज़ नहीं होते तो इसका जो मौसम है वो 15 अप्रैल से शुरू होता है और 15 जुलाई तक रहता है। तो अभी भी हम समझ लीजिए कि अभी जून जो है हमारा वो तकरीबन एंड होने वाला है, तो आज हमने ये सोचा कि इसको लगाएं। ये मैंने जाके थोड़ा मार्केट से सर्च किया था जिसमें छोटे छोटे जो शूट्स हैं ये जैसा आप देख सकते हैं, तो ये इसके शूट्स जो हैं वो पहले से डेवलप हो रहे हैं। तो अगर आपको ये वाली हल्दी ना मिल सके जिसके शूट डेवलप हुए हैं तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप इसे किसी कपड़े में रैप करें। इस तरह के जो शूट्स हैं जिनके ऊपर जो इस तरह के जो इसकी जड़ें हैं जिनके ऊपर अभी तक शूट्स नहीं आए, तो इनको किसी कपड़े में रैप करें और इसे किसी ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर, प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं उसमें डाल के कपड़े को भिगो के और उसके अंदर रख दें इसको। तो तकरीबन 7 से 12 दिन लगेंगे और 12-14 दिन के अंदर जो है वो इसकी जो इस तरह के शूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। मैं जब इसको लेके आया था तो ये शूट्स अभी छोटे थे, इस तरह के शूट्स थे, तो मैंने इनको ला के जस्ट इसके अंदर कवर किया था और इसके ऊपर गीला कपड़ा डाल दिया था। तो ये 5-6 दिनों में जो है वो शूट्स इसके थोड़े बड़े हो गए हैं और अभी हम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसको ग्रो करने के लिए जो है वो मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। ये वाली जो वीडियो है इसको शेयर अभी फौरी तौर पे आप लोगों के साथ करने का मकसद ये है कि मौसम लेट हो रहा है और अगर आप लोग लगाना चाहते हैं अपने किचन गार्डन में, अगर आप टर्मेरिक उगाना चाहते हैं तो आप इसको फौरी तौर पर उगा लें। बाकी इसकी जो प्रोसेस वीडियोज़ हैं वो भी इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो कंपाइल करेंगे जिसमें हम इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है इसकी शूटिंग से लेके, इसके ऑफशूट से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो पूरा हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए हम इसे किसी बड़े कंटेनर में नहीं लगा रहे, फिलहाल हमने इसे अपने इसके जो छोटे सीडलिंग हैं उनको हमने छोटे पॉट्स के अंदर तैयार करना है। छोटे पॉट्स के अंदर तैयार करने का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि आप ये समझ लें कि इसमें हमने जो इसका सीडलिंग मिक्सचर है वो हमने किस तरह का बनाना है जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगी। और फिर जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इनकी केयर चूँकि आसान होती है तो ये तकरीबन इसमें लगाने के बाद जो है वो मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ साथ साथ कि ये कितने दिनों में और इसका जो फर्दर प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। तो आप पॉटिंग मिक्स जो है इसको आप समझ लीजिए, ये हमारे पास कंपोस्ट है, ये हमारे पास कोकोपीट है और ये हमारे पास थोड़ी सी बल वाली मिट्टी है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको हमने मिक्स करना है और इनको हमने मिक्स करके थोड़ा थोड़ा जो है वो हमने इसी तरीके से इसको हमने इसके अंदर डालना है। तो ये देखिए, ये मैंने जो पॉटिंग मिक्स है इसको मैंने अभी इसमें डालना शुरू किया, साथ साथ ये तीनों चीज़ें जो है मैं थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर ऐड करता जाऊंगा। और ये मेरे पास कंपोस्ट है तो ये मैंने इसको इस तरीके से इसको मिक्स कर दिया। आप चाहें तो आप इसे किसी एक ही जगह के ऊपर जो है हम इसको इस तरीके से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखें, आपकी आसानी के लिए ये थोड़ी सी मिट्टी है मेरे पास और ये मेरे पास कोकोपीट है, तकरीबन आप समझ लीजिए कि 30% मिट्टी, 30% कोकोपीट और 40% जो है ये मेरे पास कंपोस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने इनको इसी रेशो में हमने इनको मिलाना है और ये वो रिच सॉइल बनती है जिसको ये इसके टर्मेरिक की जो सीडलिंग है वो इसको बहुत पसंद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हमने इसे अपने इस कंटेनर के अंदर डाल देना है जिसके अंदर हम अभी टर्मेरिक उगाना चाहते हैं। तो अभी हमने इसको तकरीबन यहाँ तक हमने इसको रखा और इसी के अंदर जो है वो हमने इसका जो एक हमारा जो ये वाला सीडलिंग है इसको हमने इस तरीके से लगाना है कि ये पूरे का पूरा जो है वो अपने इसके अंदर कवर हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ये थोड़ा सा बड़ा है, अभी इसका एक शूट डेवलप हुआ है, इसके जो बाकी छोटे शूट है ना, ये वाला शूट है, ये शूट है और इधर से जो है इसमें 3-4 शूट जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो जल्दी ग्रो कर जाएंगे। तो इतना डीप हमने इसको लगाना है कि इसके ऊपर जो ये हमारा मिक्सचर है ये कम से कम कोई 2 इंच जो है ना वो इसके ऊपर, ये सॉइल जो है वो इसके ऊपर आ जाए जो इसको अच्छे तरीके से कवर कर ले। तो ये हमने इसको यहाँ पे रखा इस तरीके से, थोड़ा सा ये बड़ा है तो इसकी ये वाली जो साइड है ना इससे कुछ नहीं फूट रहा तो हमने इसको इस तरफ से ब्रेक कर दिया ताकि ये अच्छे से पानी भी सोख कर ले।
और हमारे कंटेनर के अंदर ये पूरा भी आ जाए। तो ये देखें, इसको हमने इस तरह से यहाँ पे रखा और इसको ऊपर से तकरीबन 2 इंच जो है ना वो हमने इसी नरम सॉइल के साथ हमने इसको कवर कर देना, और इस तरह कवर करने के बाद हमने इसको पानी दे देना है, और इतना पानी देना है आपने इसको कि एक दफ़ा हमने इसको भर के पानी देना है ताकि इसका जो पूरा जो सॉइल है वो मिक्सचर हमारा वो गीला हो जाए। और इसके बाद जो है ना वो पानी इसको सिर्फ हमने उस वक्त देना है जब इसे पानी की ज़रूरत हो। याद रखिए कि इसके जो टर्मेरिक के सीडलिंग्स हैं ये नमी पसंद करते हैं, नमी इसकी सूखनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग होगी तो ये गल जाएगा जल्दी और गल के ये ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारा पॉटिंग मिक्सचर है इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके जिस जिस तरह से हमने इसको तैयार किया था इसे हमने नेक्स्ट कंटेनर जो है उसके अंदर हमने इसको डाल लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमने इसी का जो है वो सेम पैटर्न के साथ आप एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। ये भल मिट्टी है, ये मेरे पास कोकोपीट है जो कि मैंने इसके अंदर तकरीबन 30% की रेशो में कोकोपीट मैंने ऐड किया है इसके अंदर, और बाकी वाली जो है वो इसके अंदर हमने ये कंपोस्ट जो है गार्डन कंपोस्ट, ये लीफ कंपोस्ट होती है और ये आसानी से दस्तियाब है। इसका जो लिंक है ये कहाँ से आपको मिल सकती है तो वो भी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये देखिए ये हमारा पॉटिंग मिक्स जो है ये रेडी है, और इसको हमने इसी तरीके से कंटेनर के अंदर डालना है। और यहाँ पे इतनी डेप्थ में जब ये रह जाए तो इसके ऊपर जो है वो हमने ये देखें, ये मेरे पास दूसरा शूट है जो कि काफ़ी हद तक हमारा शूट जो है वो डेवलप हो चुका है। तो इसको हमने यहाँ पे रखना है और इसे भी इसी तरीके से हमने कवर करना है कि इसका जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच जो है वो ये मट्टी के अंदर अपने पॉटिंग जो सीडलिंग मिक्सचर है हमारा इसके अंदर ये दब जाए और इसके अंदर चला जाए। और इसको भी ऊपर से हमने इसी तरीके से जो है वो हमने इसको पानी दे देना है। तो ये सारे जितने भी इसके ये सारी इसकी जड़ें हैं उन सबको मैं इसी तरीके से लगा दूंगा। और ये जो कच्ची हल्दी होती है ना ख़ास तौर पे, इसको आप लोग इस्तेमाल किया करें, और इसको सैलड के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हम अदरक को बारीक काट के इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये जो हमने सीडलिंग लगाए हैं ये कम अज़ कम भी हमारे 1 महीना लेंगे, और 1 महीने के बाद जो है जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम उसकी एक अपडेट की वीडियो जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और फिर हम इसे जब किसी बड़े पॉट के अंदर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पॉटिंग मिक्स और वो जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसमें आप ये ध्यान में रखिए कि तकरीबन इसकी जो फसल है वो 7 मंथ्स में रेडी होती है जब ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो इसको अभी जो शूट है इसको डेवलप होने में कोई 30 से 35 दिन लग सकते हैं, और 30 से 35 दिन के बाद जो है जब इसके पत्ते निकल आएंगे और फिर हम इसे किसी बड़े पॉट के अंदर लगा देंगे तो वहाँ पे 2 से 3 महीने के बाद इसके अच्छे पत्ते जो हैं वो इसके रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद हम दरमियान में इसको 2 दफ़ा जो है वो 1-1 महीने के वक्फे से हम इसे सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोस्ट देंगे, इसको कोई खाद नहीं डालनी। आप जब अपने लिए उगा रहे हैं तो इसमें आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके अंदर हमने कंपोस्ट मिक्स करनी है, और वो हर 1-1 महीने के बाद जो है वो हम इसके अंदर कंपोस्ट मिक्स करते जाएँगे आफ्टर इसकी ट्रांसप्लांटेशन, जब हम इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे किसी बड़े पॉट के अंदर। और फिर उसके बाद जो तकरीबन 4 महीने मज़ीद लेगा ये, यानी 1 महीना ये इसके शूट डेवलप होने का, और उसके बाद 4 महीने ये और लेगा जब तक इसकी जो नीचे जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी और हमारे लिए काफ़ी सारी टर्मेरिक जो है वो वहाँ पे रेडी हो जाएगी। और उससे अगले महीने में फिर जब इसके पत्ते पीले होकर सूखना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है, और दैन फिर हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। और वो हार्वेस्टिंग तक का जो प्रोसेस होगा उसकी डिटेल्स जो है वो अपडेटेड वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग और कौन कौन सी चीज़ें अपने किचन गार्डन के लिए उगाना चाहते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है कि आप जो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया ये फॉलो करके आप अपने लिए आसानी से टर्मेरिक जो है वो उगा सकते हैं। अच्छा, ये जान लीजिए कि अभी जो हमने ये पॉट रेडी किए हैं इन पॉट्स को हमने सेमी शेड के अंदर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, सिर्फ सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप जो है वो हमें चाहिए, और शाम वाली 1 से 2 घंटे की धूप जो है वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी मिल सके तो सुबह की 1-2 घंटे की जो धूप है वो इसके लिए काफ़ी है। इसके अलावा इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। जब इसका पौधा तैयार हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो वो बड़ा पौधा जो है उसे हम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख सकते हैं, और वो जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो देन उसकी जो डिटेल्स होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पानी इसके अंदर इसी तरीके से मॉइस्चर सिर्फ रहना चाहिए, नमी रहनी चाहिए, इसके अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकेगा तो इसकी जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं और वो ख़राब हो सकती हैं। तो थैंक यू व्यूवर्स, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपने कीमती राय से आगाह करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।